नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेर्ड मॉडल ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहेंस करने के लिए वट आर दी लेयर अवेलेबल किस तरीके से हम सप्लीमेंट कर सकते हैं इस मॉडल को रिच कर सकते हैं वट वी कैन ऑफर टू अवर कस्टमर अदर देन दी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो कि उसके एक्सपीरियंस को एनहेंस कर सकता है उस मॉडल को अभी हम शेयर करने लगे आपके साथ और इस मॉडल को हम कह रहे हैं मॉडल ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस ये मॉडल जो आपके सामने है इस मॉडल के तीन बेसिक पार्ट है जो पहला पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू दी प्रोडक्ट जिसको फर्स्ट लेयर भी कहा जाता है जो दूसरा हमारे पास इसकी लेयर मौजूद है वो सर्विस की है जो सर्विस के बाद तीसरी लेयर आती है दैट लेयर इज रिलेटेड टू एक्सपीरियंस तो हमारे पास तीन तरह की लेयर्स की मैंने बात की जिससे इसको लेड मॉडल के तौर पे कहा जाता है तो जिस सबसे पहले जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं दैट इज प्रोडक्ट सो ये वो चीज है जिसकी वजह से कस्टमर अपने प्रोडक्ट को अपने लिए कोई नीड को फुलफिल करता है विच मींस एक प्रोडक्ट उसको ऑफर की जाती है इट कुड बी अ कमोडिटी और इट कुड बी एनीथिंग एल्स एज वेल अच्छा इस प्रोडक्ट के ऊपर सेकेंड लेयर एड की जाती है जहां पर कस्टमर को सर्विस के थ्रू उसके एक्सपीरियंस को एनहेंस किया जाता है नाउ दैट सर्विस एस्पेक्ट के अंदर टेंजिबिलिटी रिलायबिलिटी रिस्पॉन्सिवनेस अश्योरेंस एम्पथी ये वो सर्विस के एट्रीब्यूट हैं कि जो के एड किए जाते हैं उस प्रोडक्ट के साथ क्यूमुलेट किया जाता है सेकेंड लेयर किया जाता है जिससे कस्टमर का एक्सपीरियंस रिच से रिच एक्सपीरियंस होता है तीसरी जो लेयर हमारे पास इस मॉडल के अंदर मौजूद है लेर ऑफ एक्सपीरियंस हम कस्टमर को क्या ऑफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस सबसे पहले ब्रांड इमेज या ब्रांड कम्युनिकेशन तो कस्टमर को हम क्या ब्रांड इमेज ऑफर कर रहे हैं कस्टमर जब आपके प्रोडक्ट को यूज करता है तो व्हाट ब्रांड इमेज दैट कस्टमर हैज इन इज माइंड वो बात बहुत क्लियर होनी चाहिए इसी तरीके से जो यूजेज के प्रोसेसिस हैं क्या वो प्रॉपरली क्लियरली डिफाइंड है ताकि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो एक रिच एक्सपीरियंस हो सके इसी तरीके से पीयर टू पीयर हाउ यू कैन इंक्रीज इनहेंस द एक्सपीरियंस पीयर टू पीयर फिर इमोशंस की इन्वॉल्वमेंट बिकॉज इमोशंस हैज स्ट्रांग रोल इन मैनेजिंग द एक्सपीरियंस विद द कस्टमर और विद एनीम एल्स तो इस मॉडल में इमोशंस का भी बहुत ज्यादा रोल है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग दी एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस का जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारे पास मौजूद है दैट इज द रिलेशनशिप सो रिपीटेड इंटरक्शन विद योर कस्टमर कंपनी का अपने कस्टमर के साथ कितना ज्यादा रिपीटेड इंटरक्शन है वो उस रिलेशनशिप को डिफाइन करता है सो so, ये थ्री लेयर मॉडल जिसमें दिस इज पार्ट ऑफ लेयर वन दिस इज पार्ट ऑफ लेयर टू एंड दिस इज पार्ट ऑफ लेयर थ्री जो थर्ड लेर है ये एक्सपीरियंस की है सेकेंड लेयर सर्विस की है और कोर जो लेयर है दैट इज द प्रोडक्ट जब ये तीन लेयर्स मिलके कस्टमर को सपोर्ट करती हैं तो अल्टीमेटली कस्टमर का एक्सपीरियंस एनहेंस होता है अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर एक्सपीरियंस के कौन कौन से ऐसे की कॉन्सेप्ट कि जहां पर हम कस्टमर के एक्सपीरियंस को इंक्रीज कर सकते हैं सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो टच पॉइंट्स का है ये टच पॉइंट क्या चीज है जहां पर हम कस्टमर के साथ इंटरैक्शन करते हैं ये वो पॉइंट है सबसे पहले अगर आप एज ऑफ कॉन्सेप्ट देखते हैं सो दैट इंटरक्शन कुड बी वर्चुअल और दैट इंटरैक्शन कुड बी इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट कॉन्ट्रैक्ट अ फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट एज वेल फॉर एग्जाम्पल ए टी एम मशीन फॉर एग्जाम्पल योर वेबसाइट योर एप्लीकेशन थ्रू ई मेल एस एम एस और मे बी योर सेवस पर्सन योर कॉल सेंटर द इंटरक्शन दैट यू डू विथ योर कस्टमर इज द टच पॉइंट बिकॉज ये वो चीज है जहां पर आप अपने कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करते हैं इसी तरीके से आप अगर टच पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहें बिकॉज दे आर द वन जहां पे आपका कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा या बुरा हो सकता है और क्योंकि आपका टारगेट है कि उस एक्सपीरियंस को रिच एक्सपीरियंस कर दें कस्टमर को एक डिलाइटेड कस्टमर कर दें तो आपकी पूरी कोशिश होगी कि वो तमाम टच पॉइंट जहां पर आप कस्टमर के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं उन तमाम टच प्वाइंट को बेहतर से बेहतर किया जाए फॉर एग्जाम्पल अगर एक बैंक की ए टी एम है तो दैट इज वन टच पॉइंट फॉर दैट पर्टिकुलर बैंक तो कस्टमर जब उस ए टी एम पे जाता है और उसको वो रिक्वायर्ड फैसिलिटी मुयसर नहीं आती सो अल्टीमेटली ऑन दैट टच पॉइंट द कस्टमर विल बिकम अनहैप्पी कस्टमर तो क्योंकि हमने एक्सपीरियंस को इनहेंस करना है तो टच पॉइंट आइडेंटिफाई करना और उन टच पॉइंट को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना हर कंपनी का कोर टार्गेट है जो दूसरा कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ ट्रूथ ये मोमेंट ऑफ ट्रूथ क्या है ये एक्चुअली जब आप कस्टमर के साथ इंटरक्ट करते हैं दैट पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ ट्रूथ एग्जाम्पल एक्स प्रेजिडेंट एस एस एयरलाइन के वो ये कोट करते हैं कि हमारे पांच कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव एक साल में तकरीबन दस मिलियन कस्टमर्स को डील करते हैं ऑन एवरेज पंद्रह सेकेंड सो अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहें तो एज ऑफ डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि एक्चुअली हमारे पांच लोग मल्टीप्लाई बाय टेन मिलियन कस्टमर्स इसका मतलब यह है कि हमारे पास फिफ्टी मिलियन मोमेंट्स ऑफ है so now, है सो अल्टीमेटली नाउ आपकी ख्वाहिश क्या कि इन मोमेंट ऑफ ट्रूथ ज्यादा आप बेहतर तरीके से कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर कर सकते हैं इनके थ्रू आपके लिए अपॉर्चुनिटी है बिकॉज देन आपके लिए टर्निंग पॉइंट बड़े आराम से हो सकता है जो तीसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट है वो कस्टमर एंगेजमेंट का है कस्टमर एंगेजमेंट ये है कि आप कितने बेहतर तरीके से कस्टमर को अपने साथ एंगेज करते हैं ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन बिफोर द ट्रांजेक्शन और इवन आफ्टर द्रांजेक्शन एज वेल बिकॉज द स्ट्रांगर दंगेजमेंट विल बी द दांगर द एक्सपीरियंस यू विल हैव विद योर कस्टमर द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप विद योर कस्टमर इज डिपेंडिंग ऑन द एंगेजमेंट दैट यू हैव विद योर कस्टमर जितनी बेहतर एंगेजमेंट होगी उतना ही बेहतर आप कस्टमर को एक्सपीरियंस दे सकेंगे तो ये तीनों कॉन्सेप्ट कस्टमर के एक्सपीरियंस को गेज करने के लिए बिल्ड करने के लिए यूज होते हैं और इदारे की ऑर्गेनाइजेशन की हमेशा से ये ख्वाहिश होती है कि इन तमाम के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम किया जाए ताकि वो कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेहतर से बेहतर कर सके